नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप मेरे साथ सीखते हैं एडवांस एक्सेल एंड वीबीए प्रोग्रामिंग के कुछ ट्रिक्स। पहले तो हमारे प्रीवियस वीडियो के लाइक करने के लिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे नए नए वीडियोज आपको स्क्रीन पे टॉप स्क्रीन पे दिखते रहे और उसका अलर्ट आपको आता रहे। तो आज आपके साथ एक मजेदार चीज बताने जा रहे हैं, एसटेल नंबर, मतलब कि आप अपने नंबर को किस तरीके से वर्ड में कन्वर्ट कीजिएगा। मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर 10 लिख दिया तो यहाँ पे आना चाहिए 10 रुपीज ओनली या 10 ओनली, इस तरीके से। या फिर मान लीजिए मैंने 100 लिखा, 101 लिखा, तो यहाँ पे आना चाहिए कि 101 ओनली, या रुपीज या डॉलर जो भी है इसका यूज कर सकते हैं। तो कैसे होगा? तो इसके लिए एक्सेल में कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। कभी पहले मैंने देखा था, एक फॉर्मूला था लेकिन सेम काम करता था, लेकिन वो हमारे यूज का बिल्कुल नहीं था। कौन सा फॉर्मूला? बैटेक्स का। बैटेक्स भी सेम काम करता है लेकिन वो इंग्लिश में नहीं देता है। किस में देता है? थाई लैंग्वेज। बट हम तो इंग्लिश यूज करते हैं तो हमें इंग्लिश में आना चाहिए। तो इंग्लिश में कैसे आएगा? तो इंग्लिश में लाने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक फॉर्मूला नहीं, एक वीबीए प्रोग्रामिंग होती है। तो वीबीए प्रोग्रामिंग कोड गूगल पे सर्च कर सकते हो, या फिर आप F1 प्रेस कीजिए, आपको हेल्प में आ जाएगा। हेल्प को लिएगा ना, तो इसमें भी आप दे सकते। अब बहुत ही सिंपल है उसको यूटिलाइज करना। आप इसी पे सर्च में सर्च कीजिए स्पेल नाउ या करेंसी टू टेक्स्ट, आ गया ना, कन्वर्ट नंबर इनटू वर्ड। तो ये सारे हैं। तो नीचे देखिए, ये हमारा कोड है, जो कोड देख, इसी कोड को कॉपी करना है और इसमें प्रोसेस बताया हुआ है कि क्या करना है। तो सबसे पहले आप कोड को कॉपी करिए, कॉपी कीजिए, उसके बाद डेवलपर पे जाके विजुअल बेसिक पे जाइए और एक मॉड्यूल इंसर्ट में, या इंसर्ट होगा, इंसर्ट में एक मॉड्यूल को इंसर्ट कीजिए और इसको पेस्ट कर दीजिए। और फिर देखिए कहीं पे रेड तो नहीं है। देखिए यहाँ पे रेड है, अंडरस्कोर लगा ना, इसलिए रेड है। इसको डिलीट कीजिएगा तो सही हो जाएगा, रेड हट जाएगा। रेड नहीं रहना चाहिए, रेड है मतलब कि कहीं पे कुछ गड़बड़ है। चलो यहाँ पे रेड है, ये अंडरस्कोर यहाँ पे तोड़ना होगा इसको नीचे की तरफ। ये अंडरस्कोर होता है लाइन ब्रेक करने के लिए। तो खैर एक लाइन में कर दीजिए या फिर लाइन ब्रेक कर दीजिए, ओके। अब इसमें जैसे कि इसमें बताया गया है कि आप स्पेल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए एक फॉर्मूला आ जाएगा स्पेल नंबर, इसको सर्च कीजिए, एंटर मारिए, देखिए 101 डॉलर एंड नो सेंट। लेकिन आप अगर इंडिया में हैं तो डॉलर तो नहीं चाहिए होगा, तो डॉलर की थोड़ी सी आप मैक्रो के करेक्शन कर दीजिए। अब कैसे कीजिए करेक्शन? यहाँ से नीचे की तरफ आइए, जहाँ इन्वर्टेड कॉमा में डॉलर लिखा हुआ है, विदाउट इन्वर्टेड कॉमा नहीं, जो इन्वर्टेड कॉमा में डॉलर है, जैसे देखिए नो डॉलर, तो नो डॉलर की जगह पे आप
छोड़ दीजिए इसको, हटा दीजिए, ब्लैंक कर दीजिए, $1। तो $1 के जगह पे आप इसको कर दीजिए रुपीज, और यहां पे रुपीज, और जहां सेंट होगा जैसे नो सेंट, तो नो सेंट देने की जरूरत नहीं, हटा दीजिए। एंड 1 सेंट, तो 1 सेंट के जगह पे आप कर दीजिए पैसे। और जहां सेंट है वहां पे पैसे। अब देखिए यहां पे एंटर एंटर मार दिया, 101 रुपीज। अब चाहते कि ओनली कर दे, क्या कर दे, रुपीज ओनली। तो जहां जहां रु जहां जहां 1 रुपीज या 1 है तो रुपीज है उसकी जगह ओनली कर दीजिए। या जो नो सेंट, जहां पे नो सेंट आपने किया था ना सेंट, यहां पे कर दीजिए ओनली। इसे क्या होगा, ओनली आ गया, लेकिन हमने स्पेस नहीं मारा, तो आप स्पेस मार दीजिए ताकि गैप रहे। तो सॉरी माफ कीजिए, हमने 1 पे गैप मार दिया, इस पे गैप मार दिया, ओनली पे ना, 100 रुपीज वाले। अब इस फाइल को, क्योंकि मैक्रो लेवल फाइल है, तो इस फाइल को आप सेव करेंगे किसमें, मैक्रो अनेबल वर्कबुक, ध्यान रखिएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जो फाइल आपने भी बनाया, एफ माइक्रो जो प्रोग्राम, ये जो फॉर्मूला हमने बनाया, ये फॉर्मूला सिर्फ मेरे इसी फाइल पे वर्क कर रहे हैं, मेरे अनोदर फाइल पे वर्क नहीं कर रहा। तो मैं चाहता हूं कि मेरा अनोदर फाइल पे भी इस चीज को वर्क किया जाए। तो कैसे करेंगे वर्क, तो उसके लिए हम फाइल को सेव एज करेंगे। क्या करेंगे, सेव एज, एंड ब्राउज करेंगे डेस्कटॉप पे जाके, यहाँ एक्सेल एडिंग्स, किसमें, एक्सेल एडिंग्स, एक लोकेशन में इसको आप, मैं यहाँ पे आर यू पी के नाम से सेव कर दिया। अब अपने फाइल को रीओपन करें, जो भी आपकी फाइल है क्लोज कर लीजिए एक बार। और फिर से अपना एक्सेल ओपन करें, और एक नया एक्सेल फाइल को ओपन करें, और फाइल के अंदर ऑप्शन के अंदर एडिंग्स पे जाएं, और एक्सेल एडिंग्स के सामने गो होगा उस पर क्लिक करें, और फिर ब्राउज करें, और जो फाइल आपने आर यू पी को सेलेक्ट किया है उसको सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। आ गया। अब आपका स्पेल नंबर वाला जो फंक्शन है वो सब में चलेगा, जैसे कि इक्वल स्पेल नंबर, देखा आ गया, तो एक सब में चलेगा, अब आपके इस एप्लीकेशन पे चलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर ये फाइल जो हमारा बुक वन वाले फाइल है, अगर मैंने किसी को मेल किया तो ये फाइल में फॉर्मूला दूसरे के पीसी पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जो आर ई पी वाली कोडिंग्स है वो कोडिंग तो आपके यहीं पे रह गई। तो आप चाहते हैं कि हर जगह काम करे, तो फिर इसके मॉड्यूल्स में उस कोड को रखना पड़ेगा, कोड को कॉपी करके मॉड्यूल्स में रखिए, फिर तब चलेगा वो। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, और अगर आप वीबीए प्रोग्रामिंग अच्छी तरह से सीख जाएंगे तो और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ कंप्लीट वीबीए मैक्रो प्रोग्रामिंग सीखें, तो
तो उसके लिए आप जो है मेरी ऑनलाइन क्लासेस को एनरोल कर सकते हैं, जो कि लाइव होती है, इंटरेक्टिव सेशन के साथ होती है, वन टू वन। और एक क्लासेज मंडे टू फ्राइडे होती है, एंड सैटरडे एंड संडे हमारा होमवर्क, हमारा जो है प्रोजेक्ट वगैरह और इस तरह के कुछ एनालिसिस होते हैं। तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस पहले हम 3-4 फ्री डेमो देते हैं। अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और आप वीडियो सीखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट www.iptindia.com पे जाएं और डेमो क्लासेस का रिक्वेस्ट फॉर्म भर दें, एक दो क्लास डेमो लें, फिर अगर आपको ठीक लगा तो फिर आप ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमारी डेमो क्लासेस लेने के लिए, हमारी डीवीडीज लेने के लिए, हम अगर कोई प्रॉब्लम आपके पास है तो उस प्रॉब्लम को मेरे साथ डिस्कशन करने के लिए आप मेरी वेबसाइट www.iptindia.com पे जाए या फिर मुझे कॉल करें, मेरा नंबर सामने स्क्रीन पे है। तो कभी भी किसी भी तरह का अगर एक्सेल में प्रॉब्लम आती है तो फील फ्री होकर मुझे कॉल कर सकते हैं, हम आपको पूरी टेलीफोनिक सपोर्ट देंगे। हमारा टेलीफोनिक सपोर्ट हर किसी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जल्दी से फोन उठाइए और मुझे कॉल कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को व्यूअर बढ़ाने की कोशिश कीजिए ताकि मुझे सपोर्ट मिलेगा और मैं और भी ज़्यादा इस तरह की वीडियोज अपलोड करूँगा जिससे आप बेनिफिट ले सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।